हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। और कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल की अपडेट लेटेस्ट जो हमें मिलने वाली है, रिसीव होने वाली है 0.15.00। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइस कि इस अपडेट के अंदर हमें मेजर फीचर्स जो हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं, वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने हैं। डिटेल्स में आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। मेजर फीचर्स जो मेन मेन है आप लोगों को बता देता हूं। पेलोड मोड आने वाला है इसके अंदर हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 3D कॉम्बैट, सुपर एयर ड्रॉप और रिवाइवल थ्रू रेडियो टावर है। बहुत ही एक आला किस्म का फीचर है। आगे चल के मैं वीडियो को आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यू वेपन्स आने वाले हैं, जैसे कि शॉर्ट बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, M79 ग्रेनेड लॉन्चर है, M3E1 रिकॉयललेस राइफल है, उसके बाद MGL ग्रेनेड लॉन्चर है और उसके बाद M134 मिनी गन है। उसके बाद गाइज अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये बहुत ही एक मेन फीचर आने वाला है हमारे पास, TDM का जो है हमारे पास एक न्यू मैप है बड़ा, जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। मैप अभी तक हमने प्ले नहीं किया, लेकिन उम्मीद है बहुत ही अलग किस्म का मैच होगा, मैप होगा। लेकिन यह है कि हमें एक न्यू मैप जो है इस वीडियो में हमें अवेल हो रहा है। उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बात करें तो ये है जी गाइस इस अपडेट का सबसे मेन और सबसे बड़ा फीचर, जिसमें हमें एक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। पेलोड मोड के अंदर हम हेलीकॉप्टर को यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से डिफरेंट लोकेशन पर ट्रैवल कर सकते हैं और हमें इस मैप के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर जो है ईजीली हमें जो ये हेलीकॉप्टर है वो हमें अवेल होगा। दूसरे मेजर अपडेट की अगर हम बात करें, सुपर वेपन क्रेट जो है मेरा पर्सनल फेवरेट जो फीचर पबजी वाले निकाला है, इसके अंदर गाइस आपको एयर ड्रॉप से भी डबल ट्रिपल जो है वो इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। आपको जो है सप्लाई क्रेट के अंदर बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा मिलेंगी, अप टू 10 to 12 चीज़ें आई थिंक हमें मिलेंगी इसके अंदर। आगे चल के वीडियो के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और मैप के अंदर जो है आप इसको जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अगर हम चले हमारे नेक्स्ट इमेज की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये जो है ये हमारा थर्ड मेन फीचर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड जो है हमारा प्लेयर जो है वो डेड हो जाएगा, जैसे ही किल हो जाएगा तो उसके डेड होने के बाद हमें फौरन 120 सेकंड्स के अंदर जो उसका आईडी कार्ड है वो कलेक्ट करना है। और उसको कलेक्ट करने के बाद हमने मैप पे लोकेटेड किसी भी टावर पे जाके इसको हम रीस्पॉन कर सकते हैं, कार्ड लगा के अपने प्लेयर का उसको हम दोबारा गेम में ला सकते हैं, उसको रीस्पॉन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है बहुत ही एक कूल फीचर है जिसको हम अवेल करेंगे इंशाल्लाह ताला गेम के अंदर जैसे हम आगे जाएंगे। तो अगर हम गाइस बात करें कि थोड़े से गेम प्ले की, तो जैसे कि ये मैंने गेम प्ले जो है आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया है, ये बीटा वर्जन है, इसी वजह से जो है इसके अंदर थोड़े से ग्लिचेस वगैरह भी हैं और जो है वो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो अप डाउन भी है। तो गाइज अगर हम इसकी बात करें, मैप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो ब्लू डॉट्स जो बने हुए हैं हमारे पास स्क्रीन पे, ये जो है ये रिवाइव टावर की हमारी लोकेशंस है पड़ी। इन लोकेशंस पे जाके हम जो है वो अपने प्लेयर को जो कार्ड है वो लगा के हम अपने प्लेयर को रिवाइव रिस्पॉन जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम स्कूल की तरफ लैंड करें तो आप लोग देख सकते हैं गाइज मैं स्कूल की तरफ लैंड करने लगा हूँ, तो स्कूल के ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक हेलीपैड मिल रहा है विद एन हेलीकॉप्टर, जो कि एक न्यू फीचर है, पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और गाड़ियों की लोकेशन भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से असेंबल हुई हुई है। तो चले अगर हम प्लेन की तरफ चलते हैं, हेलीपैड की तरफ चलते हैं, तो ऊपर जाके हम देखते हैं इस प्लेन की लुक कैसी है। अगर इस प्लेन की जो है हम लुक की बात करें तो पहले जो है ये देखें गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने शॉट ऑफ गन विद ग्रेनेड उठाई है, ये भी हमारे पास एक शॉट ऑफ नई जो गन थी मैंने आप लोगों को बताई थी, जो एक नई अपडेट में हमारे पास आई है, देख सकते हैं आप लोग मैंने रिसीव किया। इसके अंदर बेसिकली गाइस ये है कि आप ये शूट करोगे तो जो है विद इन 1 or 2 seconds जो है वो ग्रेनेड एक गन से निकलेगा और जो है आप फौरन ही एक्सप्लोड कर सकते हो अपने एनिमी के ऊपर। तो अगर मैं इस बंदे की तरफ शूट करूँ, जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हैं विद इन 1 to 2 seconds जो है वो ये एक्सप्लोड हो जाता है और आप एनिमी को किल कर सकते हो। थोड़े से गाइस इसके अंदर ये है कि ग्लिचेस हैं पड़े अभी, तो जाहिर सी बात है कि ये बीटा वर्जन है तो अभी इतना परफेक्टली नहीं है। जैसे कि अभी मैं बंदे के पास बिल्कुल ये इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको ग्रेनेड सामने से ज़्यादा नहीं लग रहा, थोड़े से जाहिर सी बात है ग्लिचेस हैं। जैसे कि ये देखिए अभी ये किल नहीं हुआ, साइड से भी डैमेज नहीं ले रहा बिल्कुल, एग्जैक्ट इसके ऊपर मारना पड़ता है फिर जाके ये डैमेज लेता है। और गाइज अगर हम चले हमारे प्लेन की तरफ, तो ये प्लेन का जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्राइव का ऑप्शन जो है हमारे पास मौजूद है,
ड्राइव करने के बाद आप इसे असेंड और डिसेंड का ऑप्शन भी जो आप लोग देख सकते हैं, आप फ्लाई करने के बाद असेंड और डिसेंड भी कर सकते हैं जस्ट सेम लाइक GTA। तो ये प्लेन आप लोग देख सकते हैं मैं उड़ा रहा हूँ और इसकी मैक्सिमम हाइट भी ये आप लोगों के लिए सामने है, आप लोग देख सकते हैं ये इतना ऊपर गया है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका साइड व्यू दिखा दूं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आला एक कूल सा फीचर निकाला इन्होंने, क्लियरफुली विजिबल होता है। और आई थिंक इसके अंदर यार अप टू ये 8 पर्सन जो है वो सिट कर सकते हैं, 8 पर्सन की कैपेसिटी है गाइस इस प्लेन के अंदर। आई कॉन्ट बिलीव कि इतनी ज़्यादा क्यों है, लेकिन 8 पर्सन तक जो है वो आप लोग इस प्लेन में जो है वो बिठा सकते हैं। और अगर मैं इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस प्लेन को आई थिंक 1-2 मैगजीन्स के अंदर AKM के साथ जो है वो इस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं नेक्स्ट पीछे की तरफ चलूँ तो ये रेडियो टावर आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, क्योंकि मैं आपको बताया था मैप से आप चूज़ करके किसी भी लोकेशन पर जाके आप ये रेडियो टावर जो है वो ट्रैक कर सकते हो। तो रेडियो टावर आप लोगों के सामने है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और उसके साथ साथ सप्लाई के जो हैं वो भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें गाइस, ये आप लोग पढ़ सकते हैं रिक्वायर्स एन ID कार्ड। ID कार्ड जो है वो आपको आपके प्लेयर का चाहिए होगा, जो कि आपने 120 सेकंड्स के अंदर जो है आपने कलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है ID कार्ड जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप अपने प्लेयर को फौरन जो है वो रिस्पॉन कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाइस हम इस नई कार की बात करें, जो कि हमारे पास ये नई कार आई थी, जाहिर सी बात है अपडेट के अंदर ये भी हमारे पास आ रही है। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बेसिकली कार है UAZ और जो है डैशिया से जो है वो ज़्यादा इसकी HP है और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है मार खाने की। तो ये है, और इसके अंदर एक प्लस फीचर ये है कि गाइस आप लोग इसे पानी में भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं इसे पानी में लेके जाऊं तो ये देख सकते हैं नीचे से एक ऊपर एक वाइपर आया है स्पेशल, जिसने गाड़ी को ऊपर किया है। थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक कूल फीचर निकाला है इन्होंने। तो अगर ये है कि अगर सामने ब्रिज कैंपिंग हो तो आप लोग ईजिली जो है यार जा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो ब्रिज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम चलें हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ सप्लाई ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो गाइस आप लोग राइट साइड पे देख सकते हो कि सुपर वेपन क्रेट है स्पॉन, मतलब कि टाइम जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो है आप अपने क्रेट को जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, जो सुपर वेपन क्रेट जो है वो हमारे पास जो निकला था। अगर हम चलें इस क्रेट की तरफ देख सकते हैं आप, ये ज़मीन से ही जो है ये निकला है और यहीं से ओपन हुआ है, बहुत ही एक अलग किस्म की लुक है, सप्लाई इसके ऊपर लिखा हुआ है और बहुत ही एक गोल्डन टाइप का शेड दिया हुआ है। और अगर हम इसको खोलें तो ये देखें गाइस आप लोग देख सकते हैं अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, जिसके अंदर हेलमेट ये वगैरह सब तो हैं ही, उसके अलावा हमारे पास ये M3E1 है, MGL ग्रेनेड लॉन्चर है, M134 है, उसके अलावा इनकी जो है बाकी जो है इक्विपमेंट्स हैं इनके जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक बीकन है हमारे पास, उसके अलावा इसकी एमओ और एक्सटेंडेड मैग भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर गाइस हम इन चीज़ों को टेस्ट करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एनिमी पे इसको टेस्ट करने की कोशिश करूं तो ये देखिए अगर मैं इसको शूट करूं तो ये एक इसके अंदर भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि मुझे ग्लिच फील हो रहा है, तो ये बड़ा ही परफेक्ट मारना पड़ता है आपको। आई डोंट नो कि ये ग्लिच है या आई डोंट नो कि इसको वेदर ये करेक्ट करेंगे कि नहीं। और अगर मैं इसको जो है अगर मैं रॉकेट लॉन्चर को यूज़ करूँ तो ये गाइज आप लोग देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर जो है ये बहुत ही कमाल से वर्किंग कर रहा है, आप लोगों के सामने है रॉकेट लॉन्चर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, और ये है बंदे जो है वो किल करने के अंदर इसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पे इसका ये राइट क्लिक से एम यूज़ करूँ तो ये बेसिकली एक टारगेट लॉक मोड है, जिसके अंदर आप अपने टारगेट्स वगैरह जो है वो लॉक करके आप ईजीली जो है हिट कर सकते हो। तो प्लेन को भी जाहिर सी बात है आप हिट कर सकते हो, प्लेन को आप लॉक करके हिट कर सकते हो। अगर मैं ये व्हीकल को लॉक करता हूँ तो ये गाइस आप लोग देख सकते हैं कि व्हीकल लॉक करके जो है जैसे मैं इसको हिट करूँगा वो सीधा जाके व्हीकल पर लगेगी, चाहे व्हीकल ड्राइव कर रहा हो या जो मर्जी हो। अगर आप व्हीकल को चलते हुए भी अगर आप इसको लॉक करके शूट करोगे तो ये इसी गाड़ी को जाके ही ये लगेगा, देख सकते हैं आप लोग गाइस जैसे कि गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अगर हम बात करें देख सकते हैं आप आसमान से एक जो है वो येलो किस्म की जो है वो लाइट हमें नज़र आ रही है, ये हमारे सप्लाई ड्रॉप की जो है लाइट है, दूर से भी आपको विजिबल हो सकती है, जैसे कि आप लोग फ्लेयर गन का पहले फ्लेयर देखते थे ये भी विजिबल हो जाएगा। और लास्ट फीचर की अगर हम बात करें तो गाइस ये एक स्टिकर मोड है हमारे पास, जिसके अंदर हम जाके कंटेनर्स पे और डिफरेंट जगहों पे जो है वो स्टिकर्स जो है वो हम लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है अभी हमारे पास कोई स्टिकर अवेल नहीं है तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें,
और आपके पास भी अगर कोई कूल सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अपडेट तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें गाइस। अपने कीमती टाइम के लिए शुक्रिया और काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर।